हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चार वर्ड्स होते हैं कैपिटलाइजेशन कैपिटल कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें कैपिटलाइजेशन का पता होना चाहिए कैपिटल क्या होती है कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए तो कैपिटलाइजेशन क्या होता है इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ़ कैपिटल इन्वेस्टेड किसी भी बिजनेस में टोटल अमाउंट ऑफ़ कैपिटल कितनी लगाई गई है चाहे वो शेयर कैपिटल के थ्रू हो डेट कैपिटल हो या रिजर्व एंड सरप्लस हो तो उसको हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन कैपिटलाइजेशन जो वर्ड है दैट इज़ यूज्ड ओनली इन रेफरेंस टू द कंपनी इट इज़ नॉट यूज इन कंटेक्सट ऑफ सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप और दूसरा वर्ड होता है कैपिटल कैपिटल क्या होता है इज द नेटवर्थ ऑफ़ द बिजनेस नेटवर्थ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारी टोटल एसेट्स होती हैं उसमें से हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लेबिलिटीज को जब हम लेस कर दें तो हमारे बिजनेस की नेटवर्थ आ जाती है अब थर्ड है हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर Capital, इस द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल कि इसमें ओन्ड कैपिटल भी होती है परेफरेंशियल कैपिटल होती है और लॉन्ग टर्म लोन्स भी होती है अंडर कैपिटल स्ट्रक्चर वी डिटर्मिन दी प्रपोर्शन इन विच कैपिटल शुड बी रेज फ्राम डिफरेंट सिक्योरिटीजिए डिफरेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनके थ्रू हम कैसे कैपिटल रेज करते हैं तो कैपिटल स्ट्रक्चर में ये देखा जाता है कि इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर से हमने कितने फंड एकवायर करने हैं या डिवेंचर से हमने कितने फंड्स एक्वायर करने हैं ये सब हम कैपिटल स्ट्रक्चर में डिसाइड करते हैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इट इज़ लेबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट इसमें हम लॉन्ग टर्म सोर्सेस और शॉर्ट टर्म सोर्सेस ऑफ कैपिटल इंक्लूड करते हैं तो इससे आपको पता चल गया होगा कि कैपिटलाइजेशन क्या होती है कैपिटल क्या होती है कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है तो अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है तो बेसिस ऑफ कंपैरिजन क्या नंबर वन है मीनिंग इट इज़ दी कम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फंड्स कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है इसमें हम लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फंड्स देखते हैं ये मिक्सचर होता है ऑफ़ दी लॉन्ग टर्म कैपिटल एंड डेट रिसोर्स इसमें ओन्ड कैपिटल हो सकती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म लोन्स भी हो सकते हैं जो मेन ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का टू डिसाइड द कैपिटल स्ट्रक्चर वो यही होता है कि इट कैन मेनटेन बैलेंस इन ओल्ड कैपिटल एंड डेट कैपिटल अब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इट इज़ दी कम्बीशन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड्स इसमें हम दोनों सोर्सेस इनकलूड करते हैं कि हमने जो करेंट एसेट्स या फिक्सड एसेट्स बाई करनी हैं उनके लिए हमारे पास लॉन्ग टर्म सोर्सेस क्या हैं और शॉर्ट टर्म सोर्सेज क्या हैं ऑफ़ दंड्स इसमें प्रेफरेंशियर कैपिटल भी हो सकती है ओन्ड कैपिटल हो सकती है लॉन्ग टर्म लोन्स भी हो सकते हैं करंट लाइबिलिटीज़ भी हो सकती हैं या शॉर्ट टर्म लोन्स भी हो सकते हैं नेक्स्ट है बेसिस कैपिटल स्ट्रक्चर का बेस फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है कि होल कैपिटल्स स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ पार्ट ऑफ़ द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में क्या है लॉन्ग टर्म सोर्सेज भी इंक्लूडेड होते हैं और शॉर्ट टर्म सोर्सेज भी इंक्लूडेड होते हैं लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर में हम सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स डिसाइड करते हैं तो इसलिए जो कैपिटल स्ट्रक्चर है दैट इज़ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो किस बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा होगा लॉन्ग टर्म सोर्सेस कितने होने चाहिए शॉर्ट टर्म सोर्सेज कितने होने चाहिए किस टाइप की होना चाहिए दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ़ द बिज़नेस कंपनी कैसा बिजनेस करती है टाइप ऑफ द बिज़नेस इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट कितनी है स्केल ऑफ़ बिजनेस क्या है लॉन्ग टर्म रिसोर्स की कितनी रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट है ये भी डिसाइड किया जाता है कि जब हमने लॉन्ग टर्म सोर्सेस या शॉर्ट टर्म सोर्सेज कलेक्ट करने हैं तो उस पे कॉस्ट कितनी आएगी हमारी कैश फ्लो एबिलिटी कितनी है अगर कैश फ्लो ज़्यादा होगा तो कम कैपिटल की जरूरत पड़ेगी अगर कैश फ्लो स्लो है तो हमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी तो लीवरेजिंग नेक्स्ट फैक्टर है तो ये सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं कि हमारी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कंपनी का क्या होगा नेक्स्ट है अपीयर ऑन बैलेंस शीट बैलेंस शीट में कहाँ शो की जाती है ये सिर्फ लॉन्ग टर्म लेबिलिटीज होती हैं नेचुरल लेबिलिटी साइड में शो की जाएगी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंटायर लेबिलिटी साइड को रिप्रेजेंट करता है नेक्स्ट बेसिस है वैल्यूएशन कैपिटल स्ट्रक्चर का यूज़ हम कंपनी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं इसी तरह फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है वो भी वैल्यूएशन फ़ाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं अगर हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और कैपिटल स्ट्रक्चर का कंपेयर करना हो जब वैल्यूएशन करने के लिए तो कैपिटल स्ट्रक्चर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और इसको लेस इम्पॉर्टेंस दी जाती है नेक्स्ट है व्हाट इट इंक्लूड्स कि इंक्लूड क्या किया जाता है जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो इसमें इक्विटी कैपिटल शेयर कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग ऑफ द कंपनी डिवेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एक्सेट्रा इंक्लूड किए जाते हैं इन द केस ऑफ़ कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों सोर्सेज को इंक्लूड करते हैं तो इसमें क्या इंक्लूड होगा इक्विटी कैपिटल भी होगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी होगी रिटेन्ड अर्निंग भी होंगी डिबेंचर्स भी होंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी होंगी अकाउंट्स पेएबल भी होंगे और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी इंक्लूड होंगी तो स्टूडेंट्स ये था डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड कैपिटल स्ट्रक्चर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक like, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं Thank you.